अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार बनने वाले चिकन टिक्का क्रेप्स की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है ये खाने में। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है। यहाँ पर एक मैंने जार ले लिया है, देखिए इस तरह का मैंने एक जार ले लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे एक कप, यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, तो एक कप मैदा हम ये जार में डाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए उसी कप से मैंने यहाँ पर आधा कप दूध ले लिया है, तो ये आधा कप दूध भी हम इसमें डाल लेंगे। तो जितना दूध लिया है उतना ही हम इसमें पानी भी डाल लेंगे, तो आधा कप दूध डाल लिया है तो आधा कप इसमें पानी डाल लेंगे। तो देखिए पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे एक छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, तो दो चम्मच हम इसमें दही डाल लेंगे। तो देखिए दही डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे एक अंडा डाल लेंगे, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बारीक से इसका पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से स्मूथ हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, अच्छा सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। इसको अब हम एक बॉल में निकाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए बॉल में निकालने के बाद इसमें डाल लेंगे हम दो चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल डालने के बाद क्या करना है, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। तो देखिए ये जो बैटर बनाया है ना हमने, ये बहुत ज़्यादा ना पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह का हमें बैटर चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ना बैटर, तो क्रेप्स हमारे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर रेडी है, तो चलिए इसको साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हम चिकन रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर मैंने मसालों में लिया है आधा चम्मच नमक लिया है, यहाँ पर आधी छोटी चम्मच मैंने व्हाइट पेपर पाउडर लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे इसमें, और आधी चम्मच जीरा पाउडर लिया है, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है इसमें। तो देखिए ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे दो चम्मच दही। दही डालने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर डाल लेंगे हम आधा नींबू का रस डाल लेंगे इसमें। तो देखिए नींबू का रस डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको झटपट बना रही हूँ। देखिए चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है, जिसमें हम डाल लेंगे दो चम्मच तेल डाल लेंगे इसमें कढ़ाई में। तो देखिए दो चम्मच तेल डालने के बाद जो हमने गोश्त को मिक्स कर लिया था ना, वो सारा चिकन हम इसमें डाल लेंगे कढ़ाई में। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सारा चिकन मैंने अच्छे से इसमें डाल लिया है, जो मसाला है वो भी हम अच्छे से डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो इसमें दही डाला है और जो चिकन का पानी है वो अपने आप ही अच्छे से पानी इसका छूट जाएगा, तो इसमें चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक दूंगी, और तकरीबन मैं आपको इसको बताऊंगी 3 से 4 मिनट के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको पका रही हूँ हाई फ्लेम पर, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कि इसमें कितना सारा पानी छूट गया है दही का और चिकन का, तो इसके लिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है अलग से। तो देखिए अच्छे से अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब पूरा चिकन अच्छे से ड्राई हो जाए तब तक हमने इसको पका लेना है, चिकन अच्छे से कम्प्लीटली गल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ढक देंगे और चिकन अच्छे से पकने तक हम इसको पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से ये सारा पानी सूख गया है, चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया है। तो देखिए एक बार अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें क्या करूँगी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने, आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल गया है यहाँ पर। तो अब हम इसमें डाल लेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है आधी शिमला मिर्च ले ली थी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर, आधी शिमला मिर्च को देखिए बारीक टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है इस तरह से। तो ये आधी शिमला मिर्च हम इसमें डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल ली है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक मीडियम साइज की प्याज लेकर बारीक चॉप कर लिया है इस तरह से, तो ये भी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए फ्रेंड्स फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इसको ढककर हम प्याज, जो शिमला मिर्च और प्याज डाला है ना हमने, वो सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो चिकन टिक्का है ना, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है ये। तो देखिए मैंने इसको ढक दिया है, अब इसको हम लो फ्लेम पर पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। काफ़ी अच्छे से मैंने इसको पका लिया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप शिमला मिर्च और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर लेंगे और यहाँ पर हमारा चिकन अच्छे से बनकर रेडी है। इसको हम दूसरे बॉल में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको साइड में रख लेंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉल में मैंने देखिए 3 बड़े चम्मच मैदा ले लिया है, जिसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए ये हमने क्रेप को लगाने के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स मैं यहाँ पर, इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट हमने बना लेना है मैदे का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पेस्ट अच्छे से बनकर रेडी है, तो इसको भी हम साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम बनाएंगे क्रेप्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है,
तो देखिए मेरे पास इतने साइज का पैन है, तो मैंने ये रख लिया है जो हमने बैटर रेडी कर लिया था, आप देख सकते हैं मैदे का। वो बैटर को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैंने ये कप में डाल लिया है, थोड़ा सा बैटर डाल लिया है मैंने और पैन में डाल लिया है, और इस तरीके से हम सारे बैटर को फैला देंगे। और पैन गर्म होने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो करना है फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर हमने ये डाल लेना है। अब देखिए हाई फ्लेम कर लेंगे और ये अपने आप साइड से इसके छोड़ देगा फ्रेंड्स, तब तक हमने इसको पका लेना है। देख सकते हैं आप ऊपर का जो हिस्सा है पूरा ड्राई हो चुका है और इसके साइड्स अपने आप ये छूट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पलटा लेंगे आराम से। तो देखिए हमारी यहाँ पर थिन शीट बनकर रेडी है फ्रेंड्स, अच्छे से इस तरीके से हमारी शीट जल्द से जल्द बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही मजे की बनती है और बहुत ही जल्द की जल्दी ये बनकर रेडी हो जाती है। आप ये शीट्स को इस तरह से बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफी दिन तक अच्छे से चलेगी। फ्रीजर में रख लीजिए बनाकर। तो देखिए इसको मैंने पलटा कर 2 मिनट के लिए सेक लिया था। दोनों तरफ से हमारी ये शीट अच्छे से सिक गई है, हमारा क्रेप बन गया है। तो देखिए दूसरे भी मैं इसी तरीके से बना लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स दूसरे सारे हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको दूसरे प्लेट में निकालूंगी, मैं इसको एक के ऊपर एक निकालूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे फ्रेंड्स ये इस तरह से बनाने से। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा भी इसी तरह से बना लिया है, नीचे से भी अच्छे से सिक गया है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए पहले जिस पर निकाल लिया था उसके ऊपर ही मैं इसको निकाल लूंगी, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो सारे हमने इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने सारे इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको एक के ऊपर एक रखा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो आप इस तरह से इसको बनाकर फ्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको फ्रीज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है मैंने, इसके ऊपर हम एक एक क्रेप लेते जाएंगे। अब जो हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से ठंडा हो गया है, अब एक एक चम्मच हम इसमें डालते जाएंगे। तो देखिए चिकन को हमने इसमें डाल लिया है बीच में। अब एक सिरा उठाएंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम इसको। अब जो हमने मैदे का घोल बना लिया था ना वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इसके ऊपर से पूरा मैदे का घोल लगा लेना है। तो देखिए अच्छे से मैंने मैदे का घोल लगा लिया है, तो दूसरा सिरा उठा के इसके ऊपर से हम लगा लेंगे और इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो देखिए ये साइडों में भी हम इस तरीके से जो मैदे का घोल हमने बना लिया था ना वो सारा हम इस तरीके से लगा लेंगे साइडों पर। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको लगा लिया साइडों पे। अब इसको क्या करेंगे, हम एक तरफ से उठा लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसको भी हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी उठाकर इसको भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका एक अच्छा सा बॉक्स या पॉकेट बनकर रेडी हो गया है हमारे चिकन का। तो देखिए ये रेडी है, तो दूसरा भी हम इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं, खाने में तो इसका टेस्ट ही क्या फ्रेंड्स, जब आप इसको बनाएंगे ना तभी आप इसका टेस्ट जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको प्लेट में रख रही हूँ, तो दूसरे सारे हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप इसको बनाएंगे ना इस तरीके से, तो ये सारे इस तरीके से बनाने के बाद ना आप कोई भी एक जिप लॉक बैग में इसको डाल लीजिए और इसको फ्रीज कर लीजिए। तो जब भी आपको इसको खाना होगा ना तो आप इसको शेलो फ्राई कर खा सकते हैं। तो पहले से आप इसको इस तरह से बना कर रख लीजिए, डाल लीजिए। तो आधा घंटा पहले इसको हमें फ्रीजर से निकालना है, फ्रीजर से आधा घंटा पहले निकाल लीजिए और आप इसको शेलो फ्राई कर लीजिए। तो ये बहुत दिन चलेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े के भी लगते हैं ये। तो देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरीके से बना कर रेडी कर लिया है, तो सारे हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सारे इसी तरीके से बना कर रेडी कर लिए है, तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसको फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है जिसमें मैंने तेल डाल लिया है। तो यहाँ पर हम इसको डीप फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, हमने इसको शेलो फ्राई करना है यहाँ पर। तो एक एक करके हम ये सारे डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहले से ही हमारा चिकन पका हुआ है और हमारे क्रेप्स भी पके हुए हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाई फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है, तो एक एक करके ये सारे मैं इसमें डाल लूँगी। अगर आपके पैन में कितने आते हैं एक बार में उतने ही आप फ्राई कर लीजिए। तो देखिए ये एक एक करके सारे मैंने इसमें डाल लिए है, तो इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से फ्राई अच्छे से होने देंगे, फिर इसको पलट लेंगे, फिर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ये जल्दी बन जाते हैं और ये देखिए अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट भी बनते हैं। तो देखिए इसको मैंने पलट लिया है, तो सारे हम इसी तरीके से पलट लेंगे और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों तरफ से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको क्या करेंगे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चिकन टिक्का क्रेप्स रेडी है फ्रेंड्स, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है टोमेटो सॉस के साथ, और आप इसको मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मजे के लगते हैं फ्रेंड्स।
तो यार इस तरह से ये चिकन टिक्का क्रेप जरूर बनाइए फ्रेंड्स। और आप जब भी बनाते हैं ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कट कर कर भी बताऊँगी तो बहुत ही मज़े के लगते हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इसी तरह की कोई आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।